15 फरवरी 1932 की याद में 15 फरवरी को कार्यक्रम करने हेतु पूरे क्षेत्र से युवा ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया, जिसमें कार्यक्रम संयोजक धर्मवीर कुमार को बनाया गया। साथ ही बैठक में चर्चा हुई कि तारापुर क्षेत्र के 34 वीरों ने तिरंगा झंडा फहराने में सीने पर अंग्रेजों की गोली खाई थी, तिरंगा झंडा फहरा कर ही अपना बलिदान दिया था। उसी याद में लगभग 9 वर्षों से युवा ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं द्वारा तारापुर थाना की पुरानी भवन, जिस पर वीरों बलिदानी ने झंडा फहराया था, वह पुरानी ऐतिहासिक धरोहर आज भी सुरक्षित है। उस अनमोल धरोहर राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिलाने को लेकर लगातार हर एक वर्ष अलग अलग तरीके से कार्यक्रम किया जाता जा रहा है और भारत सरकार से राष्ट्रीय धरोहर की मांग को लेकर युवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयराम विप्लव ने कई बार पत्र के माध्यम से कई मंत्री और कई सांसद व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी पत्राचार किया है और श्री विप्लव ने कहा है कि जब तक इसे भारत सरकार इसे राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा नहीं दे देते, तब तक यह कार्यक्रम लगातार इसी तरह चलता रहेगा। वही कार्यक्रम संयोजक धर्मवीर कुमार ने कहा कि हमारी मांग है कि इस अनमोल धरोहर को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिया जाए, क्योंकि इतने बड़े बलिदान की गाथा पूरे भारत पूरे विश्व को पता होना चाहिए। आपको बता दूं कि जालियांवाला बाग में अंग्रेजों से लड़ने के लिए लोगों ने अपने बलिदान दिया, वह भी देश को याद है, और उसके बाद आजादी के लिए लड़ने के लिए सबसे बड़ी दूसरी घटना यह तारापुर थाना भवन पर हुई थी, जो कि अभी तक यह बड़ी घटना पूरे विश्व स्तर पर लोगों ने नहीं जाना है। जबकि 15 फरवरी 1932 को अंग्रेजों की गोली चलने के बावजूद तकरीबन इस क्षेत्र के लगभग 500 वीरों ने तिरंगा झंडा लेकर थाना भवन पर यूनियन जैक उतार कर तिरंगा फहराने के क्रम में अंग्रेजों ने लगभग 34 वीरों को गोली से बलिदान किया और लगभग 100 लोग घायल भी हुए। इसका प्रमाण आज भी थाना भवन दे रहा है और कुछ पुराने लोग जो काफी वृद्ध हो चुके हैं, वह भी यह घटना को बताते हैं। वही युवा ट्रस्ट के द्वारा शहीदों के जो भी परिजन है, उनसे भी हर वर्ष कार्यक्रम में शिरकत कराया जाता है। इस अवसर पर शिव कुमार जी, रामाशीष चौधरी, त्रिलोचन सिंह, शंभू शरण, चंद्रशेखर कुमार, विवेकानंद सिंह, अजय कुमार सिंह, नन्हे सिंह कुमार श्रवण, मंगल सिंह मंगल, रिंकू यादव, गौतम कुशवाहा। प्रेस द बेल आइकन ऑन YouTube एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।